नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर एट एन इंटरवल ऑफ टू सेकेंड सवाल है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन टू बॉल्स आर इन स्काई एट एनी पॉइंट इन टाइम और हमें कहा है जी की वैल्यू हम ले सकते हैं नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमारे ऑप्शन है मोर देन नाइन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड एटलीस्ट नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड एनी स्पीड लेस देन नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड ओनली विद स्पीड आपका नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड नाउ अगेन अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है मुश्किल नहीं है पर कॉन्सेप्चुअल सवाल है इसको ऐसे समझना और क्लास में मैंने अक्सर स्टूडेंट इस सवाल पर कन्फ्यूज देखे हैं तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ Uh, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं आई एम नॉट अ जगलर सो काइंडली बियर सो अगर हम गेंद को ऐसे थ्रो कर रहे हैं अगर तो मैं एक ही गेंद थ्रो कर रहा हूँ तो अगर मैंने मान लो एक गेंद को थ्रो किया है ऊपर इसका हवा में जाना और वापस आने का जो टी टाइम है वो होता है टू आ, टू यू बाई जी से हम वो लेते हैं ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है नाउ ये गेंद जब ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची है उस टाइम में अगर एक नेक्स्ट बॉल को अगर थ्रो करूं तो मैं चाहूंगा कि ये जब मैं सेकंड बॉल थ्रो कर रहा हूं ये आपके हाईएस्ट पॉइंट पे हो उसके बाद अगली गेंद जब मैंने फेंका तो इसका जो टाइम अपवर्ड्स होएगा वो इसका टाइम डाउनवर्ड्स हो जाएगा तो अगर आपको मिनिमम Uh, सवाल की कंडीशन ये है कि आपको दो सेकेंड में दूसरी गेंद फेंकनी है तो कंडीशन ये होगी कि पहली गेंद का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका वो ऐसा होना चाहिए कि जब तक आप दूसरी गेंद या तीसरी गेंद आप हवा में फेंक रहे हैं तो पहली दो गेंद हवा में होनी चाहिए ठीक है दैट इज़ व्हाट वी वांट सो इसी केस में हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है दो उसके बीच में आपका इंटरवल जो है इंटरवल ऑफ बॉल्स थ्रो जो है वो आपका टू सेकेंडस है ठीक है सो so, आप चाहते हैं कि एक गेंद जब ऊपर जाके नीचे वापस आ रही हो उसके बाद आपने दूसरी गेंद फेंकी है तीसरी गेंद आपकी जब आप फेंकने को तैयार है तो पहली गेंद वापस आ रही हो इसका मतलब यह है कि पहली गेंद का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा आपका दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू टू सेकेंड्स यानी कि फोर सेकेंड से ज़्यादा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए ऊपर जाके नीचे आने का हालांकि सो टाइम ऑफ लाइट का मतलब हो गया टू यू बाय जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर सेकेंड और इसमें वैल्यू रख देंगे तो u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइड बाई टू और g की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है नाइन पॉइंट एट लिख सकते हैं यानी कि वैल्यू हो जाएगी नाइनटीन पॉइंट सिक्स सेकेंड सो आपकी मिनिमम वेलोसिटी जो आपने देनी है वो नाइनटीन पॉइंट सिक्स होनी चाहिए उससे कम अगर दी है तो आपकी ये सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होगी इसी आपने नोटिस किया होगा कि जो जगलर्स हैं आपने टीवी वी शोज़ देखे होंगे सर्कस का भी देखा होगा तो उसमें जो जगलर्स हैं अगर तो वो दो तीन गेंदे फेंक रहे होते हैं तो वो उनको ऐसे 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 करते हैं अगर वो पाँच दस बीस करना चाहें तो वो ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे आइडिया क्या है जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतनी ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं वो सो दैट अगर पाँच या दस या पंद्रह गेंदे या रिंग्स उन्हें हवा में रखनी है तो जब वो पंद्रहवीं गेंद फेंक रहे हैं पहली गेंद उनके हाथ में आनी चाहिए तो पंद्रहवीं गेंद की टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ऊंचा जाके वापस आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट उन्हें ज्यादा से ज्यादा चाहिए जो सक्सेसफुली ऐसे कर पाते हैं वो अच्छे जगलर बन जाते हैं सो इस केस में अपने को दो गेंदे हवा में रखनी है तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा होना चाहिए कि जब तीसरी गेंद फेंक रहे तब आपकी पहली गेंद हाथ में आए या उसके बाद हाथ में आए तो so, इसका मतलब ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका चार सेकेंड और वेलोसिटी उसकी शुड बी ग्रेटर देन 19.6। पॉइंट सिक्स तो इसके बेज पे हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर ए मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड शुड बी द राइट आंसर